गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आसिफ लखनऊ से आपके साथ है। स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल पर, धन्यवाद देता हूं। आज हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ी बाधा क्या है। सबसे बड़ी बाधा अंग्रेजी बोलने में, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको क्या समस्या आती है जब वो स्पोकन इंग्लिश की कोशिश करते हैं, जब वो अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं और प्रयास के माध्यम से मैंने अंग्रेजी भाषा पर नियंत्रण किया है और बढ़िया अंग्रेजी बोलता आया हूं। आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। कुछ लोग समझते हैं ग्रामर की कमी है, मुझे ग्रामर जिस दिन आ जाएगी उस दिन मैं अंग्रेजी बोलने लगूंगा। गलत। कुछ लोग बोलते हैं यार मेरे पास शब्द नहीं है, थोड़े शब्द बिल्डअप हो जाए फिर देखना, फिर बेहतरीन अंग्रेजी निकलेगी फूल की तरह। गलत। पूरी प्रैक्टिकल बात बताऊंगा, डुएबल बात बताऊंगा। बाधा ये है नहीं, मेन बाधा जो है वो ये है कि कहीं मैं गलत ना बोल दूं, कहीं लोग मेरी हंसी ना उड़ाएं, कहीं पीठ पीछे लोग ये ना कहें कि यार आती जाती है जो बोलता बहुत है। बाधा ये है। दिल पे हाथ रख के बताइएगा ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। असफलता का भय सबसे बड़ी बाधा है उन लोगों में जिनको इंग्लिश मीडियम में पढ़े नहीं है और जिनको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है। डरते हैं कि अगर मैंने गलत बोला तो मेरा अपमान हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे मित्रों, मेरी बात गौर से सुनिए। यदि आपने इस मानसिक जो आपने बना रखा है, अपना एक रुकावट और बाधा बना रखी है, इससे आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि अदरवाइज आपके पास ग्रामर भी डेवलप हो जाएगी, आपकी वोकैब भी डेवलप हो जाएगी, लेकिन फ्लुएंसी नहीं आएगी। यदि ये डर बेड़ियों की तरह आपके मन में, आपके मस्तिष्क में बैठा हुआ है, मैं आपको समाधान भी बताऊंगा, मैं समस्या बताऊंगा और समाधान भी बताऊंगा। एक छोटा सा काम कीजिए, सबसे पहले आप मिरर स्पीकिंग चालू कीजिए। आप एक मिरर के सामने बैठ जाइए और अपने से बात कीजिए। आप कहिए हाउ आर यू, फिर आप भी जवाब दीजिए आई एम गुड, आई एम फाइन। फिर आप पूछिए क्या तुम रोज चाय पीते हो, डू यू टेक योर टी एवरी डे, डू यू टेक योर टी एवरी डे। फिर आप जवाब दीजिए यस आई टेक माई टी एवरी डे। फिर आप पूछिए क्या तुमने कल चाय पी थी, Did you take your tea yesterday? फिर आप भी जवाब दीजिए Yes, I took my tea every day. आप मात्र 10 मिनट रोज ये कीजिए, झिझक पे फर्क पड़ेगा। सबसे पहला मेरा सुझाव ये है, मिरर स्पीकिंग चालू कीजिए 1-to-1। बिल्कुल मत डरिए, इससे आपकी फ्लुएंसी बनेगी और हेजिटेशन खत्म होगी। दूसरा सुझाव मेरा ये है, घर से प्रारंभ कीजिए। आप अपने भाई को अगर बुलाना हो तो ऐसे बुलाइए, डियर रमेश प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर। अब फिर आप अगर उसे पूछना है क्या तुम आज स्कूल जाओगे, आप उसे कहिए विल यू गो टू स्कूल टुडे, और इसको जल्दी से बोलने की कोशिश कीजिए विल यू गो टू स्कूल टुडे, विल यू गो टू स्कूल टुडे। पानी मांगना है आप ऐसे बोलिए कैन यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये छोटे छोटे वाक्य मिरेकल कर देंगे। रोज आप बोलिए और जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। उसके बाद आप चालू कीजिए बाहर के अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात कीजिए। अगर वो खाना पका रहा है आप ये हो यू आर मेकिंग फूड, एक एक बात के बोलिए, बूंद बूंद से सागर भर जाएगा, मेरी बात का भरोसा कीजिए, बूंद बूंद से सागर भर जाएगा। नहीं तो आप रुके रह जाएंगे, दुनिया आगे निकल जाएगी। और मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल आजकल कहीं पर भी कोई भी आपसे अंग्रेजी में इंटरेक्ट करना शुरू कर सकता है। अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है उस समय आपको बहुत खराब महसूस होगा, आपको खराब महसूस होगा, इसलिए इस समय थोड़ा कष्ट उठा लीजिए। और कष्ट नहीं उठाना है, बस सिर्फ आपको कोशिश करनी है। आप मिरर स्पीकिंग कीजिए, आप घर में बात कीजिए, जहां मौका मिले छोटे से चालू कीजिए। कोई भी बिजनेस एक दिन में बड़ा नहीं होता है, कोई भी स्किल एक दिन में डेवलप नहीं होती, स्किल धीरे धीरे डेवलप होगी। आप घर से प्रारंभ कीजिए, अपने ऐसे दोस्तों से अंग्रेजी बोलिए जो वाकई आपका सम्मान करते हैं, जो आपकी हंसी नहीं उड़ाएंगे, जो आपको प्रोत्साहित करेंगे, और आप पाएंगे कि हां जबान खुद
खुल रही है, अब इंग्लिश जबान पर बैठने लगी है। शुरू में हंसी भी आती है, जब आप अंग्रेजी बोलेंगे आपको हंसी आएगी, आपका दोस्त भी हंसेगा, हंसो लोट पोट हो जाओ फिर अंग्रेजी बोलो, हंसना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो यहां भी अपने बच्चों से कहता हूं, स्टूडेंट यार हंसो यार, हंसना तो एक ईश्वर का उपहार है, हंसने से कोई घबराना नहीं। इंग्लिश बोलो बेटा, घबराओ नहीं, असफलता का डर मत रखो। बिना गलत अंग्रेजी बोले कोई भी सही अंग्रेजी दुनिया में नहीं बोल पाया है, जान लीजिएगा। मैं नेटिव स्पीकर की बात नहीं कर रहा हूं, अंग्रेजी एक फॉरेन लैंग्वेज है। अगर आपकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है, आप सीख रहे हैं, प्रारंभ में गलतियां होंगी होंगी होंगी, कोई और विकल्प नहीं है, आपको बोलना होगा। आप भूल जाएंगे वहां के आप शब्द भूल जाएंगे, लेकिन आपको लगे रहना है, आपको डटे रहना है, आपको डटे रहना है मोर्चे पर। मोर्चे से भागने वालों की कभी जीत नहीं होती है, मोर्चे पर डटे रहने वालों की जीत होती है। अंग्रेजी बोलना भी एक मोर्चा है, डटे रहो डटे रहो डटे रहो। ग्रामर में पढ़ा ही रहा हूं, आप ग्रामर वाले वीडियोस देखिए, वो कैब मैं आपको दे रहा हूं, आपको बहुत से वाक्य मैं देता हूं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, विश्वास कीजिएगा, जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ भी ना कहूंगा। सत्य बोलना मेरी आदत है, सत्य बोलना मेरा सिद्धांत है। आप प्लीज कोशिश कीजिए, मिरर के सामने रोज 10 मिनट बोलिए, परिवार वालों से थोड़ी थोड़ी बोलिए, इतने वाक्य हो गए हैं चैनल पर, आप सीख लीजिए, लिख लीजिए और बोलिए, दोस्तों से बोलिए, और धीरे धीरे करके सर्किल को बढ़ाइए, बाहर दुकान पर बोलिए, ऑफिस में बोलिए, और आप पाएंगे कि वाह अब तो अंग्रेजी हैंडल होने लगी है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आप जरूर इसका पालन करेंगे मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे दोस्तों। अगर आपको मेरी बातें लॉजिकल लगे, रेशनल लगे, रीजनेबल लगे, तो प्लीज अपने दोस्तों को भी बताइएगा इन वीडियोस के बारे में, प्लीज अपने परिचितों को भी बताइएगा, इसको लाइक कर दीजिएगा, कभी कभी एक दो कमेंट लिख दिया कीजिए, और इसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो मेरा निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।